अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो मैं आज आया हुआ हूँ जुमेरा के एरिया में और आप लोगों को दिखाऊंगा आज काइट बीच। और वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और टाइम वेस्ट किए बगैर चलो चलते हैं आज बीच की तरफ। और दूसरी बात, आज मैं नहाऊंगा भी बीच में। ये देखो, कपड़े पहने हुए हैं, कंप्रेशंस भी पहन ली हैं, और ये मेरा बैग है। ये अलग से एक बैग मैंने ले लिया, इसमें सामान है, कपड़े। तो अब चलते हैं बीच की तरफ। ये कार पार्किंग का एरिया, ये BMW रही। यहाँ से अब हम चलते हैं बीच की तरफ। यार इस जगह पे ना, ये सामने बंदर वाली साइड पे ना, ये जो फ्लेक्स लगी है इधर, मैंने अब लेनी है अपनी एक वीडियो रील्स के लिए। अच्छा व्यू है इधर का, ये साइड्स हैं इधर की। और असल पोर्श एरिया ये जुमेरा साइड का है, ठीक है, जहां पे लोग कहते हैं कि सुकून होना चाहिए, और असल पोर्श एरिया यही है। ये देखें, ये सिटिंग एरिया बना हुआ है सारा। बीच में नहाने में ना सिर्फ मॉर्निंग का व्यू है, आप सुबह के टाइम आओ और नहाओ आराम से। सैंडस्टॉर्म आज भी अच्छा खासा लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो बनाना है व्लॉग आप लोगों के लिए और करना है दुबई को एंजॉय। बीच में तो मैं हो गया हूँ अब एंटर। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये काइट बीच पे आपको जो चीज़ नज़र आएगी ना, वो है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग आपको उसका व्यू मैं अभी दिखाता हूँ, और मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है और डिफरेंट चीज़ है। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, और अभी अभी जो ना लाइक कर दो, क्योंकि बीच का व्लॉग है, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आज मैं नहाऊंगा अभी, बड़े मज़े से पानी में डुबकियाँ लगानी हैं, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको असल व्यू सारा बीच का। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना सारा व्यू दिखा दूँ क्या गाइड बीच में है क्या क्या। ये शावर एरिया, जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग बनाया हुआ है, और ये सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, और ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, डिफरेंट इन्होंने की हुई हैं चीज़ें, कैफेज़ वगैरह, रेस्टोरेंट छोटे छोटे। यहाँ पे लोग अपनी साइकिल्स वगैरह लेके आते हैं और आराम से इस ट्रैक पे चलाते हैं, इस ट्रैक के अलावा आप कहीं नहीं चला सकते। यार मैंने ग्लासेस तो बड़े शौक से लगा ली है, लेकिन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, धूप है काफ़ी तो स्पोर्ट हो जाती है। ये फ्रेश जूस का है इन्होंने एक बनाया हुआ, ये देखें। ये रेस्टोरेंट्स हैं, सैंडस्टॉर्म है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी ठीक है, ये भी अच्छा व्यू है। ये देखो कैटोस, ये एक बंदी ने भी, मैंने ख्याल इनको प्यार करी थी। हाँ ये बीच में टैग लगा हुआ है इनके नेक पे, तो ये किसी की टेम है। वो लास्ट पे जोन सी है ना पार्किंग एरिया, एरिया हमने ऑलमोस्ट देख लिया सारा, और अब बगैर टाइम वेस्ट किए ना हम लोग चलते हैं बीच की जानिब, और बीच पे जाके नहाते हैं, और मैं आप लोगों को बीच का सारा भी इन्वायरमेंट दिखा देता हूँ इधर का, और सारे डुबकियाँ लगाते हैं। इसकी जो डिफरेंट चीज़ है ना वो ये है, ये काइट बोर्डिंग है, ये सारी काइट बोर्डिंग चल रही है यहाँ पे, और ये अलग से इधर का व्यू है। बीच की मैं बाउंड्री में आ गया हूँ अंदर, और शूज़ भी मेरे हो गए हैं, ये कंप्रेशंस मेरी शूज़ को करते हुए। ये देखें फैमिलीज आई हुई हैं, सब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ऊपर, और मैं भी अब अपना बैग शैग उतारूंगा और नहाऊंगा। हमारा सामान पड़ा हुआ है, ये रख दिया बैग, और अब चलते हैं जरा लास्ट तक। लाइफगार्ड का
घर बना हुआ है। काइट बीच का ये असल व्यू है कि यहाँ पे आपको काइट बोर्डिंग नजर आ जाती है, और ये डिफरेंट जरा हो जाता है, बाकी बीच का टूर वैसे ही डिफरेंट होता है। अब पानी में घुसने की कोशिश करते हैं। ये आ गए हम पानी में, पानी के कर लेते हैं थोड़े से दर्शन। ये हो गए दर्शन पानी के, और अब चलते हैं उस साइड पे नहाने के लिए। मैंने अपने डाल लिया है प्रोटेक्शन कवर में, और अब मैंने अपनी ग्लासेस भी उतार दी हैं, और अब मैं जा रहा हूँ पानी में नहाने के लिए। आप लोगों को लेकर चलता हूँ पानी के अंदर, आइयो मेरे नाल नाल। अंदर जाने लगे हैं, और ये बापू हजूर बैठे हुए हैं। पापा जी आ जाओ अंदर आ जाओ। ये देखो मैं आ गया हूँ पानी के अंदर, आवाम रह गई है पीछे पीछे। लगाओ डुबकी। खारा पानी है ना, आंखों में जाता है यार। मैं मोबाइल अंदर करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। पानी में मैं डीप आना शुरू हो गया हूँ, लेकिन मोबाइल अंदर नहीं मैं कर रहा अभी, लेकिन इसको कंफर्म करते हैं फिर मोबाइल अंदर लेके जाएंगे। और वो देखो मेरा जुड़वा पड़ा, वो थे की कर रहे हैं बाहर निकल। ये गोते लगा रहे। अभी मैं जा रहा हूँ भाई के पास, और मोबाइल का पूछ के फिर मोबाइल को अंदर डालेंगे पानी में। भाई कैसे है, पानी में मुलाकात हो गई। भाई भी इंजॉय कर रहे। भाई वो कवर का कर लिया कंफर्म, मोबाइल हम पानी के इनसाइड लेके जा सकते हैं, और अब मैं जाने लगा हूँ पानी के अंदर। ये आए हमारी फैमिली। भाई क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? आगे जाने। पापा कह रहे थे आगे जाके खतरनाक बहुत है। खतरनाक नहीं है, आगे रौनक बहुत है। एक साइड की तो डुबकियां कंप्लीट हो गई हैं, अब एक मिड में जाके थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं, एक लास्ट कॉर्नर में जाके थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं। चलो आओ चलो। संत हो रही है जबरदस्त। ये डेढ़ टावा उड़ रहा है देखो। आने लगे हैं उस दूसरे कॉर्नर पे, और मैंने उतार दी है टी शर्ट अपनी, और ये रख दी है ऊपर। अब टी शर्ट उतार के उस वर्जन में जाते हैं पानी में। ओह टी शर्ट साथ ही रखी हुई है, डोंट वरी। थोड़ा और डीप जाते हैं। ये डुबकी हो गई है कंप्लीट, और सनसेट भी होने वाला है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ बाहर। जल्दी लाइक ठोको वीडियो को, और उसके बाद हम निकलते हैं और शावर लेंगे। फिर शावर का भी थोड़ा एनवायरनमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं। मैंने कपड़े मैं लेके आया हूँ, तो नज़र कुछ नहीं, तुसी आ रहे हूँ ना, आयो तुसी नज़र। तो कपड़े मैं लेके आया हूँ अपने, तो उसको चेंज करेंगे, और फिर एक ओपोजिट वाली साइड पे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, और थोड़ा सा नाइट व्यू भी दिखा दूँगा इसी के बहाने। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, सनसेट हो चुका है। ऊपर ज़्यादा नहीं करना कैमरा, एक स्पॉट पे जा रहा हूँ जहाँ से आप लोगों को एक बहुत हसीन मंजर नजर आएगा। थोड़ा दूर है तो भागना पड़ेगा भाई,
भागने वाला काम है यहाँ पे, तो बस ऑलमोस्ट आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो यार, वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक ठोक दो जल्दी जल्दी, अभी अभी देखते देखते ही आ गया मैं उस स्पॉट पे। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, अब ये है वो स्पॉट, सनसेट उधर से हुआ है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड का बीच है, वो पीछे रहा बुर्जल अरब, क्योंकि सैंडस्टॉर्म है जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आप लोगों को आएगा, और ये अम्ब्रेलाज बनाई हुई हैं इन्होंने सुबह के टाइम, मेरा ख्याल है कि इसको खोल देते हैं नीचे, फिर अपनी वो आप लोग हिसाब से चेयर्स वगैरह लगा के इंजॉय करो। मैं भी उस बीच पे था और पीछे से बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो बुर्ज खलीफा है, उसके पास की सारी बिल्डिंग्स हैं, सैंडस्टॉर्म है ना भाई, सैंडस्टॉर्म में नज़र कुछ नहीं आता। मैं धो के आया था तो इसलिए मैं ना अभी, इन्होंने बोड़ी टाइप रखी हुई है, ट्रैक सा बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं चल के आप लोगों को बीच का साइड व्यू दिखा देता हूँ, सनसेट का व्यू, वो बोट बीच में नज़र आ रही होगी आप लोगों को, वो लास्ट में। ये पूरा ट्रिप होता है और इसमें पब्लिक बैठी हुई है सारी, जस्ट ना सनसेट होने वाला होता है ना, लाइफ गार्ड सीटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है मैक्सिमम जितना भी क्राउड है ना आ जाए पानी से बाहर, और इस टाइम आपको कहीं पे भी लाइफ गार्ड नज़र नहीं आएगा। ये देख लो, ये हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पे अपना हार है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, और ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा ना, तो ये बीच में बाउंड्रीज इन्होंने रखी हुई हैं, ये बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, और इस बाउंड्री से आप उस साइड पर नहीं जा सकते। डेंजर है, वैसे स्विमिंग जिसको आती है उसके लिए तो मसला नहीं, फिर भी सेफ्टी जोन से ना फर्स्ट है। रात हो गई है, बुर्ज खलीफा पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा, डस्ट है ना, और अभी मैं करता हूँ कपड़े चेंज भाई, अब चलते हैं शावर वाली साइड पे, बिल्कुल अंधेरा हो गया यहाँ पे, मैं ब्राइटनेस ज़्यादा भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नज़र नहीं आ रहे हम लोग, तो वहाँ पे जाकर कपड़े चेंज करेंगे। मैं अपना एक एक्स्ट्रा कपड़े एक पेड़ एक्स्ट्रा लेके आया हूँ वो साथ, वो पहन के फिर इधर की जो बत्तियों वाला माहौल है ना वो देखते हैं, जो फिर इधर बत्तियों वाला इन्वायरमेंट है ना वो देखते हैं, नाइट व्यू। जी ड्रेस हो गया है अब चेंज, पिंक अच्छा, तो अभी हम देखते हैं नाइट व्यू इधर का विद लाइट्स, और वेटिंग एरिया बनाया हुआ है इस दोपहर में जो मैंने आपको दिखाया था, और ये भाईजान क्या जबरदस्त, यो और ये ट्रैक है सारा, ये देखो कितना प्यारा व्यू है इधर, नहा कर सब बैठ गए हैं, कुछ लोग इधर रनिंग भी करेंगे, रनिंग भी हो रही है, कुछ लोग रनिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट वाला भाई बैठा हुआ है इस तरह खड़ा होकर कार्ड पकड़ के, ये देखो टैटो 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 का नेकलेस देखो मुन्नू, टैटो मुन्नू नेकलेस दिखाओ अपना, ऊपर करो मुंह ऊपर करो, वो देखो नेकलेस पहना हुआ है, ये अपना एंजॉय कर रही है। वो रात का टाइम बीच में कोई भी नहीं नजर आएगा, रनिंग हो रही है, इस टाइम अब यही सब कुछ आपको नजर आएगा, वो देखें स्कूटी पे बंदे जा रहे हैं, खामोशी है खामोशी, बंदा कोई भी नहीं है। ये ट्रैक पे मैं भी चल रहा हूँ और उस साइड पे अब चलते हैं,
कि उस साइड पे क्या है। ये सारे स्टॉल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के। ये सारा प्ले एरिया, नेट्स लगी हुई हैं, लाइटिंग है बड़ी और सब खेल रहे हैं। ये देखो वो लास्ट तक ये प्ले एरिया बनाया हुआ है। ये स्लॉट्स हैं, एक स्लॉट पे एक बंदा एक टीम खेल सकती है। ये अलग टीम है, वो लास्ट में अलग टीम है। ये देखिए लें जी, बीच तो कर लिया कंप्लीट टूर, नहा भी लिया, आपको एंजॉय भी मैंने करवा दिया। तो आप लोगों का काम बनता है आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दो, और अब होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।